फिल राउंड पूरा ना ठीक से, ट्वेल्थ ठीक से कर लो, ठीक है। उसके बाद एनडीए में जाने के चांसेस होते हैं। एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, कहाँ पर सिचुएटेड है, पूना में, वहां पर खड़पाला इधर है खड़ पर, वहां पर 3 साल की वो ट्रेनिंग देंगे, ग्रेजुएशन कराएंगे, ऑर्थोपेडी से आएंगे, जैसे आपने इतने बड़े बड़े हेल्थ केयर के यहाँ पर देखे जो कारनामे, वैसे आपको भी सिखाया जाएगा, स्विमिंग सिखाई जाएगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स सिखाया जाएगा, बहुत ही गेम स्पोर्ट्स सिखाई जाएगी, और ग्रेजुएशन भी कराई जाएगी। बाहर निकलोगे आईएमए में जाओगे, बाकी एयरफोर्स और नेवल अकेडमी में जाओगे, और वहां पर से निकल के फिर ऑफिसर बनोगे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, और देश का नाम ऊंचा करोगे, लेफ्टिनेंट रैंक में फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है ना, नेवल ऑफिसर, ऐसे बनोगे आप लोग, और अपना और गांव का और पूरे शहर का, पूरे देश का नाम ऊंचा करोगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको अवेल करना है। पढ़ाई का मतलब ये है कि आपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, अच्छा राइज करना है। कैसे राइज करोगे, जब पढ़ाई में थोड़े अच्छे होंगे, ठीक है, मैट्रिकुलेशन ठीक से कर लेंगे, ट्वेल्थ ठीक से कर लेंगे, उसके बाद और एंट्रीज हैं आर्मी में आने के लिए बहुत सारी, जो बाद में स्कूल में आकर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी ट्वेल्थ के बाद, और एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है वो भी ट्वेल्थ के बाद उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके लिए ठीक से पढ़ाई करनी है। जैसे आप अगर टेक्निकल एंट्री स्कीम से आ सकते हो तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा टेंथ के बाद, ट्वेल्थ में जब ऐसे जैसे अब होते हैं तो उससे पहले फॉर्म भरे जाते हैं इसके ऑनलाइन, वो मैं सब बता सकता हूँ आप लोगों को, जब भी उस लेवल के जो बच्चे हैं, जब उस लेवल में आप लोग पहुंचोगे जब, लेकिन मेहनत से आगे बढ़ना, समझना है आपने अंदर, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल गढ़ी में पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा,